अच्छा यार, बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई हमारा टिकटॉक अकाउंट जो है वो बैन हो चुका है, कोई रास्ता दिखाओ, हम बहुत परेशान हैं, इतने फॉलोअर्स थे। तो भाई पहले तो मैंने आपको कोई जवाब नहीं दिया था क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया हुआ था। तो अब मसला ये हुआ कि यार रात को मेरा खुद का 5 लाख फॉलोअर वाला, तकरीबन 5 लाख होने वाले, 5 लाख फॉलोअर्स थे और मिलियन के हिसाब से लाइक्स थे, मेरा जो है ना रात को मैसेज आ गया कि भाई आपका अकाउंट जो है वो परमानेंटली तौर पर बैन किया जा रहा है। तो भाई मैंने क्या किया कि यकीन मानिए 9:31 पर मुझे ये मैसेज आया टिकटॉक कंपनी की तरफ से, और यकीन मानिए 9:49 पर ये मैसेज आ गया कि भाई हम माजरत खां हैं और आपको खुशखबरी सुनाना चाहते हैं कि भाई आपका टिकटॉक अकाउंट दोबारा से बहाल कर दिया गया है। तो मैंने क्या किया, आप भी ये चीज़ें करें इंशाल्लाहुल अजीज़ आपका टिकटॉक अकाउंट भी बहाल हो सकता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई आज मैं आपको लफ्ज़ बलफ समझाने वाला हूँ, आपने वीडियो को गौर से देखना है। मोबाइल की स्क्रीन पर जाके पहले तो आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि भाई मेरा असली अकाउंट 5 लाख के करीब जो है ना फॉलोअर होने वाले हैं और मिलियन के हिसाब से लाइक्स हैं, और कैसे बैन हुआ और मैंने क्या क्या किया कि मेरा जो है ना आधे घंटे के अंदर, बल्कि 20 मिनट के अंदर अंदर अनबैन हो गया। तो आपने ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी इंशाल्लाहुल अज़ीज़, आपको यकीनन बहुत फ़ायदा होगा। हाँ, इतना ज़रूर याद रखिए कि जो जो चीज़ मैं आपको बताऊँ आपने उसको फॉलो करना है। मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको हर बार की तरह यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आपके पास टाइम के साथ पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और जाते जाते यार हमारी वीडियो के नीचे कमेंट अच्छा सा छोड़ जाना और अपनी राय का इजहार जरूर फरमा देना। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। दोस्तों आ चुके हैं हम मोबाइल की स्क्रीन पे, तो फटाफट से हम जो ना टिकटॉक को ओपन करते हैं। सबसे पहले आप लाइव प्रूफ के साथ आप देख लें कि मुझे वाकईतन मैसेज आया था टिकटॉक के हवाले से, और उन्होंने मुझे कहा था कि भाई आपका अकाउंट जो है वो परमानेंटली तौर पर बंद किया जा रहा है। ठीक है, ये देख लें, रात को आया था तकरीबन 9:21 पे और ये अभी 21 घंटे हो चुके हैं। ये देखें, पहला मैसेज आया कि योर अकाउंट वाज परमानेंटली बैनड, ठीक है, वगैरह वगैरह। वो कहते हैं कि आपने वायोलेशन की है कम्युनिटी गाइडलाइंस जो है ना, उसका आपने पास नहीं रखा, लिहाजा आपका अकाउंट जो है ना वो बैन कर दिया गया। तो मैंने जो है ना क्या किया, जब ये मुझे मैसेज आया ना, उसके बाद फौरन मैंने दूसरे अकाउंट्स पे जाके जो ना अपने इस अकाउंट को सर्च किया, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए 5 लाख के करीब फॉलोअर्स होने वाले थे, तो क्या सर्चिंग में भी ना आया वो अकाउंट। और उसके अलावा जितने भी वीडियोस पर मैंने किसी की वीडियोस पर भी कमेंट्स किए थे, जब भी मैं उन कमेंट्स को ओपन करता तो वो आगे कहते कि नॉट अवेलेबल दिस कमेंट्स वगैरह वगैरह, इस तरह जो ना मुझे देखने को मिला। मैं तो बहुत परेशान हो गया भाई, क्या करना है क्या नहीं। लेकिन फिर मैंने क्या किया कि यकीन मानिए 18 मिनट के अंदर अंदर, मैं आपको वो असली वाली पिक्चर भी दिखाता हूँ जब मैंने उस असली टाइम था जो, ठीक है, जिसमें आपको पता चलेगा कि भाई 18 मिनट के अंदर अंदर ही मुझे जवाब आ गया कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर रिक्वेस्ट। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने रिक्वेस्ट जो है ना भेजी थी, और आपका हम अकाउंट देखा है आपका हमने, और क्या है कि हम माजरत खां हैं आपको जो हमने तकलीफ़ दी, लिहाजा आपको खुशखबरी देना चाहते हैं कि भैया आपका टिकटॉक अकाउंट हमने बहाल कर दिया। ठीक है, यकीन मानिए सिर्फ 18 मिनट के अंदर अंदर ही मुझे ये मैसेज आ गया। तो ये सारा कुछ कैसे हुआ यार, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी आपका अकाउंट बैन होता है ना, ठीक है, तो आपकी आईडी बिल्कुल आपकी टिकटॉक से जो ना उड़ा दी जाती है, ठीक है, साइन आउट कर दिया जाता है। उसके बाद अगर आप आईडी को लॉगिन करेंगे ना, मतलब यहाँ पर जाके ना आपने अब अगर आईडी लगानी, वह यहाँ ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, साइन इन का। तो जब साइन इन पर आप जाएंगे ना, साइन इन पर जाने के बाद आप अपनी आईडी का यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे तो आपकी आईडी ओपन नहीं होगी, बल्कि दो ऑप्शन आएंगे। पहला तो ये आएगा कि भाई आपका हमने टिकटॉक अकाउंट परमानेंटली तौर पर बंद कर दिया गया, क्या आप मुतमईन हैं कि हमने ठीक किया, या आप अपील करना चाहते हैं। दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा ओके वाला और दूसरा आएगा अपील वाला। तो प्यारे भाई, सबसे पहले तो आपने साइन इन करना है, ठीक है, अपने उसी अकाउंट को जो बैन हुआ है, और जब पासवर्ड यूज़र आईडी लगा लेंगे उसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, ओके वाला और अपील वाला। अपील पर जाके आपने क्लिक कर देना, उसके बाद आपने सेम टू सेम यही अल्फाज लिखने जो मैंने लिखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, और नीचे आपने जो है ना फ्रॉम की जगह जो ना अपना जो है ना मेरे नाम की जगह आपने अपना नाम जो है ना चेंज कर लेना, ठीक है, और बाकी सारा का सारा यही जो है ना आपने अल्फाज लिख लेने। इंशाल्लाहुल अज़ीज़ यकीन मानिए आपको भी फ़ायदा होगा, और क्या होगा कि आपका अकाउंट भी वापस बहाल हो जाएगा। हम ये करते हैं कि जब हमारा अकाउंट बैन हो जाता है ना, तो हमें कुछ समझ नहीं होती कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसी वजह से क्या होता है
कि हम जो है ना शिकार हो जाते हैं इस बात का कि भाई हमारे इतने फॉलोअर्स थे और हमारी टिकटॉक आईडी जो है बैन कर दी गई है। पैसा आगे नहीं है, टिकटॉक भी हमें देखता है कि यार कितना बंदा एक्टिव है। तो आप ऐसा ही करें, ठीक है, अपील पर जाएं और वहां पर जाने के बाद आपने ये वाला बिल्कुल मैसेज जो मैंने आपको सारी तहरीर लिखी है इसको आपने कॉपी करके वहाँ डाल देना, और उसके बाद नीचे जो है ना वो आपसे मांगेंगे कि भाई आप जीमेल अकाउंट दें, जीमेल अकाउंट आपने दे देना जो आपका एक्टिव है, और फौरन आपसे जो है ना रब्ता कर लिया जाएगा और जो भी सूरत हाल होगी उससे आगाह कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर किसी बात की समझ ना आए तो आप जो है ना मुझसे रब्ता करके कॉन्टैक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, रहनुमाई ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में जाकर आके इजहार ज़रूर फरमाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।